हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइटिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैंने अन अकेडमी एप्लीकेशन पे जो एक फ्री लर्निंग ऐप है वीडियो डालनी शुरू कर दी है। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है, जहां से भी आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वहां पे अन अकेडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक लर्निंग ऐप है, ठीक है। इस पर अपने आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही अपने आपको रजिस्टर कर लेंगे तो सर्च ऑप्शन में हितेन मलिक सर्च करेंगे तो आपको मेरे कोर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप उस पर एनरोल करते हैं तो आप मेरे कोर्सेज को प्रोवाइड आपको लोगों को मेरे कोर्सेज प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना है सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए रजिस्टर करते ही। और मैं चाहता हूँ कि जितने फॉलोअर्स मेरे यहाँ पे हैं उतने वहाँ पे रहे ताकि आपको कंटेंट बराबर प्रोवाइड होता रहे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शन के जो पार्ट में हम लोग देख रहे थे वो रिलेटेड क्वेश्चन थे, ट्रेविंग रिलेटेड ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज उसी में हम लोग फेयर रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है द नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास ए सी ट्रेन इज 3:4:5 एंड द फेयर रेशियो इज 8:6:3। The total revenue collected from the train is 36,000 rupees. Find out the revenue earned by second class. रेल के फर्स्ट सेकंड थर्ड में यात्रियों का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है व किराए का अनुपात 8:6:3 है। यदि रेल से प्राप्त हुए कुल वित्त 36,000 रुपए हो तो सेकंड क्लास से प्राप्त हुआ वित्त कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी अप्रोच क्या होगी मैं आपको वो बता देता हूं। देख लेते हैं दोस्तों हम लोग एक बार। दिया है जो ट्रेवलिंग पर्सन है उनका जो रेशियो दिया है वो 3:4:5 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास से और थर्ड क्लास से 3 आदमी 4 आदमी और 5 आदमी हम लोग मार देते हैं। जो फेयर है उसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:6:3, मतलब फर्स्ट क्लास का 8 रुपए, सेकंड क्लास का 6 रुपए और थर्ड क्लास का 3 रुपए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ये भी 24 और ये हो जाएगा 3। 3 से कट किया 8 और 3 से कट किया 5, कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास में ये रेशियो। अगर मैं कलेक्टिव करता हूँ तो ये रेशियो का जो कंप्लीट हुआ तो ये हुआ 21। इसका मतलब ये है कि 36,000 रुपये पे हम लोगों को 21 क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और हम लोगों को बताना है सेकंड क्लास का रिवेन्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाई 8 कर देना है, ठीक है। यहां से जितना भी आपका आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बार आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। नथिंग मोर देन दैट, इसमें और कुछ इतना खास है नहीं। तो हम लोगों को अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है कि हम लोगों को बताना होता है कि उसका फेयर क्या होगा या कुछ भी, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जैसे इसका आंसर आया 13,714.28 रुपये, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली ये जो फेयर और जो रेशियो दिया हुआ है ट्रेवलिंग का इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे जब 3 आदमी 8 रुपये देंगे तो 24 हो जाएंगे ना, इसी तरीके से नीचे इसी तरीके से इसका, और आप उसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। चलिए ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ भी कि पर्संस का, ताकि आपके पास प्रैक्टिस हो जाए। जो ट्रेवलिंग रेशियो है वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में 2, 3, 4 है और जो फेयर है वो मैं मान लेता हूं 4, 5, 6 है, ठीक है। आप लोगों को दिया है कि थर्ड क्लास से ट्रेवल करने के बाद में जो खर्चा आता है वो 5,000 रुपये आता है, कितना आता है 5,000 रुपये। आपको बताना है कि टोटल रिवेन्यू कितना रहा होगा, टोटल रिवेन्यू कितना रहा होगा, मतलब पूरी ट्रेन से कितना खर्चा आया होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया ये हम लोगों के पास में, कि हम लोगों को अगर ये पता हो तो पीछे कैसे जाएंगे, बैक कैसे जाएंगे। तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग दोनों तीनों चीजें देख लेंगे, 8
15, 24, ठीक है। एक पांच की जगह आप 6000 4800 रुपए ले लेते हैं, 4800 रुपए, ताकि हम लोगों के कैलकुलेटिव भी कम हो जाए और हम लोगों को चीजें समझ में आ जाए। मेन है हम लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ गया तो इजी हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, थर्ड क्लास एसी का जो है वो है 24 और इस पे मेरा जो खर्चा आया है वो आया है 4800 रुपीज। 24 पे कितना आया है? 4800। इसका मतलब ये है कि एक पे कितना हम लोगों के पास में आएगा? ये 200 रुपये, एक पे कितना आएगा? 200 रुपये। हम लोगों को बताना है टोटल ट्रेन से कितना आया होगा, तो टोटल ट्रेन का कितना है? 8, 15 और 24। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 39, 47। एक बार ये हुआ था 5, 29, 39, 47, बिल्कुल ठीक है। तो 47 पे कितना होगा? ये 47 × 200 और ये हम लोगों के पास में हो जाएगा 9400 रुपये और यही मेरा क्या होगा? आंसर। बात क्लियर हो गई? ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट टाइप का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरीके का नेक्स्ट है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है कुछ इस तरीके का है कि रेशियो ऑफ फेयर ऑफ टू पर्टिकुलर स्टेशंस इज 4:3। मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेशन का फेयर, जैसे मैं मान लेता हूँ दिल्ली से मुंबई का दे दिया कि आपको दिल्ली से मुंबई का फर्स्ट क्लास का 4 रुपये और दूसरे क्लास का 3 रुपये है। इफ द फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास इंक्रीज बाई 3:4 एंड द सेकेंड क्लास इंक्रीज बाई 2:3 एंड द रेशियो ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवल्स इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इन द रेशियो ऑफ 3:5। आपको फाइंड आउट करना है कि रिवेन्यू जो था रेल का, एक्चुअल रिवेन्यू और जो नई इनकम हुई है उनके बीच में कितना रेशियो हुआ होगा। तो हिंदी मीडियम वाले आराम से इसको लिख लेंगे कि दो निर्धारित स्टेशनों के बीच में जो फेयर है, किराया है, वो 4:3 के अनुपात में है। प्रथम क्लास का किराया 3:4 से बढ़ा दिया गया है और द्वितीय क्लास का 2:3 से बढ़ा दिया गया है। यदि यात्रियों को पहले और दूसरे जो द्वितीय जो श्रेणी है उनमें यात्रा करने का रेशियो 3:5 है तो आपको उससे हुआ कुल वित्त और उससे भी कुल आय का अनुपात क्या होगा ये बताना है। चलिए देखते हैं कि जो फेयर है वो किस रेशियो में दिया गया है, 4:3 में दिया गया है। जो फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें वो इंक्रीज हुआ है 3:4 में, मतलब अगर बात करें तो 3 पे मिल रहा था 4, तो 4 पे अब कितना मिलेगा? तो 4 × 4 / 3 16/3 अब नया मिलेगा, ठीक है। ये देखो 3 था पहले, अब 3 पे कितना मिल रहा था? 4 मिल रहा था, तो ये 4 पे कितना मिलेगा? क्योंकि अब नया 4 हो गया है तो 4 पे मिलेगा 16/3। ऐसे ही सेकंड क्लास के लिए देखेंगे तो सेकंड क्लास के लिए देखते हैं हम लोग क्या कि सेकंड क्लास का इंक्रीज हुआ है 2/3 में, मतलब 2 पे कितना मिल रहा था? 3। तो फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास है ना, तो कितना मिल रहा था? 3, तो 3 पे कितना मिलेगा? 3 × 3/2 यानी 9/2। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड क्लास का यहाँ पे रेशियो निकाल के दे, नया रेशियो क्या होगा? 16/3 9/2 2 × 2 कर दीजिए 32 18 तो जिस तरीके से हमारा नया रेशियो हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बताते हैं किस तरीके से होगा। ये 27 होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, आगे बता देता हूँ। जैसे ही ये हम लोगों को रेंटल हुआ कि हाँ ये रेंटल हो चुका है, कितना हम लोगों का 32 और 27 जो आया है वो आया है फेयर 32 27 फर्स्ट और सेकंड। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों के पास में यात्री कितने हैं, मीन्स ट्रेवलिंग पर्सन कितने हैं। पैसेंजर्स का जो रेशियो है वो है 3:5 का रेशियो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96:135
ये तीन से कट जाता है, ठीक है, इतना आ गया 32:45 और ये ही मेरा क्या होगा नया रेशियो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए ये हमारा आंसर क्लियर हो जाता है हम लोगों को अगर इस तरीके का क्वेश्चन के आउटकम में क्या करता है। कई बार इसमें दे देगा कि अगर रिवेन्यू का टोटल रिवेन्यू मुझे मिला हो जैसे 40,000 मान लो 32,000 रुपए मिला है तो आपको बताना इनकम कितनी हुई होगी, तो 32 पे 32 मिला है तो 45 इनकम कितनी होगी, 45,000 रही होगी, तो यहाँ पे कई बार इसको डिजिट को भी दे देगा तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इन एन ऑफिस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्योन्स क्लर्क्स एंड ऑफिसर इज 2:3:4। रेशियो ऑफ द सैलरी इज इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, मतलब नंबर ऑफ पर्संस और नंबर ऑफ सैलरीज का क्या है रेशियो सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। टोटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 50,000 रुपीज। इफ द नंबर ऑफ क्लर्क इन द ऑफिस इज 15, फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ईच ऑफिसर। हिंदी वाले लिख लीजिए, किसी ऑफिस में चपरासी क्लर्क या अधिकारी का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनकी आय का अनुपात भी 2:3:4 हो और ऑफिस में वितरित की गई कुल आय 50,000 रुपये हो और ऑफिस में क्लर्कों की संख्या 15 हो तो बताइए कि ईच मतलब एक एक अधिकारी की तनख्वाह क्या हो। तो नंबर ऑफ रेशियो जो दिया हुआ है नंबर ऑफ काउंटिंग का है, नंबर ऑफ काउंट का जो वो कितना दिया हुआ है प्योन क्लर्क एंड ऑफिसर दिया हुआ है 2:3:4। 3 पे 15 है तो प्योन हो जाएंगे 10, जब 3 पे ये 15 है तो प्योन हो जाएंगे 10 और ये अधिकारी हो जाएंगे 20। ये बात क्लियर हो गई ना भाई, 3 के रेशियो पे क्लर्क है 15 तो 2 के रेशियो पे प्योन हो जाएंगे 10 और अधिकारी हो जाएंगे 20। ये तो हमारी काउंटिंग हो गई, अब बात करते हैं उनकी तनख्वाह की, उनकी तनख्वाह किस दिशा में रेशियो में डिवाइडेड है। ये रेशियो में डिवाइडेड है 4:3:2 यानी के 9। अब ये 9 है तो ये 50,000 का देखो रेंडमली कटेगा नहीं, तो रेंडमली इसको क्या करो 50 का 54,000 रुपये कर लो, ठीक है। रैंडम चीजें जब ली जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, एरर हो जाती है काउंटिंग में, तो काउंट करने के लिए आप क्या करो उसको थोड़ा सा कर लो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब तनख्वाह की अगर बात करें तो हो गई 54,000 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसने 4, 3, 2। अच्छा इसको एक बार इसको नोट डाउन करो तब मैं एक बार बता दूंगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं इसको, इसको चौबन को भी रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, हमारे पास में नंबर तो हो ही गए हैं, काउंटिंग के कितने कितने हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा मिसमैच हो गया शायद, देखते हैं काउंटिंग कितनी है इनकी, नंबर्स कितने हैं 2, 3, 4 प्योर क्लर्क और ऑफिसर। सैलरी कितनी है इनकी 2, 3, 4 4, 9, 16 यानी 29 का रेशियो। तो 54 की बजाय 58,000 करोड़, ठीक है। सॉरी अगेन मैं करेक्शन करवा रहा हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को हमें सीखना है तो परेक्शन कर भी सकते हैं। तो 58,000 / 29 और मल्टीप्लाई में 60, क्या भाई किसकी सैलरी निकालनी है, डायरेक्ट ऑफिसर की सैलरी निकालनी है, तो कितनी हो गई 2,000, कितना 16 के डिस्ट्रीब्यूट पे अगर हम लोग बात करें तो 2,000 रुपये 16 के डिस्ट्रीब्यूशन पे कितनी हो गई 32,000 रुपये। 32,000 रुपये हुई टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर
ऑफिसर्स। अब हम लोगों को ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने थे, तो हम लोगों को प्राप्त नंबर ऑफ ऑफिसर्स थे 20, है ना। अब ईच ऑफिसर की सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस 32,000 रुपए को 20 से डिवाइड कर देना है, तो कितने रुपए हो गई, 1600 रुपए एक अधिकारी की तनख्वाह होगी। अगर यहीं पे ही वो बात कर ले क्लर्क की तनख्वाह कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे हम लोग, 18,000 रुपए सभी क्लर्क की तनख्वाह, और 18 के अपॉन में अगर हम लोग 15 कर देंगे तो वो किसकी तनख्वाह आ जाएगी, एक क्लर्क की तनख्वाह आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं चपरासी की, तो चपरासी से मल्टीप्लाई करके हम लोग चपरासी की भी निकाल लेंगे, प्योन की और अकाउंट में जो नंबर ऑफ चपरासी थे मेरे पास में प्योन थे, उनसे मैं निकाल लूंगा ईच की सैलरी, अगर आपसे वो ईच के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हम इसको यहीं पे इतना रोक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चंस देखेंगे अर्थिंग बेस्ड देखेंगे कि अर्थ का इतना हिस्से पे पानी वाटर है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है वो देख लेंगे, देन उसके बाद में नए टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे, और फिर हम लोग मोस्टली काउंटिंग में पहुंचेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के उस टॉपिक पे जो मिक्सचर एलिगेशन पे सोल्व आउट होता है और हम लोगों को नंबर ऑफ कंटेनर्स पे बात करके देता है, तो रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर के जो मिक्सिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको सीखेंगे, ताकि हम लोगों के दोनों टॉपिक अच्छे हो जाए, ठीक है। चलिए इसी अगर हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सीखते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाय बाय।